नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ऑनलाइन टीवी देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं पंकज रौतेला। फेस टू फेस कार्यक्रम का नाम मणिशंकर अय्यर, कहने को तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, इनकी गिनती की जाती है, लेकिन अय्यर के बयानों में परिपक्वता कभी दिखाई दी नहीं। विवादित बयानों के वीर कहिए तो गलत नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। मणिशंकर अय्यर को जब भी अय्यर ने मुंह खोला, विवाद सामने आकर खड़ा हो गया। कांग्रेस के लिए नुकसान हुआ और विपक्षी पार्टी बीजेपी को फायदा होता दिखाई दिया। एक बार फिर दिल्ली के शाहीन बाग से अय्यर वाणी सुनाई दी और उस पर आज आमने सामने होने वाले हैं दो हमारे खास मेहमान। बीजेपी से कैप्टन आय सिंह साहब हैं तो कांग्रेस से गिरीश भारद्वाज आज आमने सामने होंगे। एक बार फिर सुनिए अय्यर वाणी। अब देखें कि किसके हाथ कौन कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उसका, ये है सवाल। जी हां, अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक और विवादित बयान दे डाला। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही महिलाओं का समर्थन करने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे अय्यर ने कहा, अब देखें कि किसके हाथ कौन कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उसका, ये है सवाल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए कांग्रेस ने अपने ब्रह्मास्त्र को उतार दिया है। वही बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने अय्यर के बयान को पाकिस्तान कनेक्शन बताया और कहा, ऐसे ही राक्षसों का अंत करने के लिए जनता मोदी जैसे प्रधानमंत्री को चुनती है। जब भी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान होकर आते हैं, वो नए गुट पी के आते हैं, नए इंजेक्शन लेके आते हैं और भारत विरोधी भाषा बोलने लगते हैं। वो तो हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को कातिल कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी को चाहने वाले लोग उनको ऐसे राजनीतिक राक्षसों का, राजनीतिक अंत करने वाले देवता के रूप में देखते हैं। यही फर्क है, इसलिए जनता उनको प्यार करती है, नेतृत्व को प्यार करती है और जो 70 साल तक इस देश में नहीं हो सका वो काम करने के लिए एक जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठा रहे हैं, भारत को एक नया भारत की स्थापना में जो काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे राजनीतिक राक्षसों का अंत करने वाले एक नेता के रूप में पूरे देश प्रधानमंत्री जी को देखती है। हालांकि मणिशंकर अय्यर विवादित बयानों के वीर रहे हैं और कई बार वो अपने बयानों को लेकर खुद ही फंसते दिखे। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को नालायक कहा था, फिर माफी मांगी। 2014 में प्रधानमंत्री को चाय वाला बोलकर निजी हमला किया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी। पाकिस्तानी टीवी पर बोले, भारत पाक के बीच शांति तभी संभव है जब मोदी सरकार गिर जाए और पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाए। उसके बाद गुजरात चुनावी नतीजों से ठीक पहले नीच शब्द का इस्तेमाल किया तो गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। 370 हटने पर कहा, एक और फिलिस्तीन बना दिया गया है, तो कई बार खुद भी फंसे मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस को भी फंसाते दिखाई दिए। मणिशंकर के बयानों से कांग्रेस को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ और सियासी गलियारे में ये बात अक्सर होती है कि जब कांग्रेस के पास मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं तो बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मणिशंकर अय्यर को लेकर सियासी गलियों में, गलियारे में अक्सर ये चर्चा होती है कि अगर कांग्रेस के पास मणिशंकर जैसे नेता हैं, अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता हैं, तो बीजेपी को बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि गाहे बगाहे वक्त वक्त पर मणिशंकर अय्यर इस तरह के कुछ बयान देते हैं, उन बयानों से कांग्रेस को फायदा कम, बीजेपी को फायदा होता ज़्यादा दिखता है। कई बार ऐसा हुआ भी है। हमारे साथ दो खास मेहमान आमने सामने हैं, कैप्टन आय सिंह साहब बीजेपी से, कांग्रेस से हरीश भारद्वाज जी हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत हरीश जी आपसे करने जा रहे हैं। बार बार बयान देना और बयानों का फायदा किसी और को होना, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो वहाँ पर शाहीन बाग पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर वहाँ की जनता बैठी हुई है, आम जनता बैठी हुई है, अपने मुद्दों की आवाज़ को लेकर प्रधानमंत्री को अपनी आवाज़ को सुना रही है कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हमें जवाब दे दीजिए। अगर ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे नेता वहाँ पर एक राजनीतिक दल के तौर पर नहीं, वहाँ पर एक निजी तौर पर सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, और वहाँ शाहीन बाग की जनता भी निश्चित तौर पर ये कहती है कि हम जो जितना भी कार्यक्रम है ये अराजनैतिक है, किसी प्रकार के दलों का नहीं है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होता है, उपस्थित होकर के अपने विचार व्यक्त करता है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। और जहाँ तक उन्होंने विचार व्यक्त किए ये भी बता दीजिए, और कैप्टन मणिशंकर विचारों में था क्या, विचार बताइए ना। हाँ, मैं विचारों की ही बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर अभी उनकी बाइट सुनी है, उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है कि आज हमें देखना है कि हमारे हाथ में मजबूत हैं या फिर उस कातिल के। मेरी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा वो कौन सा कातिल था, वो कातिल किसी लोकतांत्रिक का कत्ल करने वाले के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने संविधान के प्रियम्बल की हत्या की उसके बारे में बोल रहे हैं, या फिर भारत के जो ताने बाने को, ढांचे को जो ढाने वाले हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, किस प्रश्न में, ये तो जवाब मणिशंकर सिंह साहब। देखिए, कांग्रेस को ये पता नहीं होगा, हमारी राय बहुत सारी हो सकती है कि उसके, लेकिन आप उस बारे में बात कर रहा है या समाजवादी बारे में वो बोल रहे हैं, इसका पूरा तो जो जितना भी उनका जो आकलन होगा, जो भी उनका बोलना होगा, वो निश्चित तौर पर मणिशंकर अय्यर ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने जो इशारा कातिल की ओर कहा है वो किस कातिल की ओर कहा है। लेकिन अगर किसी के चोर की दाढ़ी में तिनका होकर के वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र में अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। पाकिस्तान से आते हैं, न जाने कौन सा डोज लेके आते हैं, इंजेक्शन लगाकर आते हैं और भारत में आके इस तरह बयान देते हैं। पंकज जी, मैं चार लाइनें कह के अपनी बात शुरू करूंगा जी। चोर कापे चमचे कापे, चाप कापे हर गद्दार, और देश का हर बच्चा बच्चा बोल रहा है हम हैं चौकीदार। तो देश का हर बच्चा बच्चा जान रहा है कि इनकी स्थिति क्या है, और मणिशंकर अय्यर को तो दुनिया जानती है कि ये देश द्रोहियों में इनका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, और वैसे है तो कोई छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि यही मणिशंकर अय्यर वो है जो पाकिस्तान में जाके और पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठ के इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार को गिराइए और हमें लाइए। तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान, इन्हें मदद लेने के लिए कहां गए पाकिस्तान, इन्हें मगर हिंदुस्तान में मदद नहीं मिली। तो ये कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा है और जिनके जिनके ताल्लुक है सीधे सीधे टेररिस्ट गद्दारों के साथ, पाकिस्तान की आईएसआईएस के साथ। हाँ, देखिए, तो मैं ये जो है ना, एक मिनट में आप सुन लें, तो ये मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के जो है ना वहां के एजेंट हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान जो कहता है उसी हरी जी जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए फटाफट, काउंटर कीजिए सर। देखिए, मैं आपसे कर्नल साहब से बिल्कुल, जो इन्होंने कहा गद्दार भी कह दिया, मैं इन बातों को नहीं करना चाहता। गद्दार कौन है थोड़ी सी मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान के अंदर बिना बुला करके बिरयानी खाने के लिए हमारा कोई एक भारत का राष्ट्र का जो आदमी जाता है और वहां अम्मी जी के पैर छू करके आता है वो गद्दार कह, उसको भी आप किस परिभाषा में, मैं उसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मेरी परिभाषा नहीं है। ये तत्व मानने लायक नहीं है, अगर कोई गद्दार है तो जेल भेजिए, तत्व मानने लायक नहीं है, अगर कोई देशद्रोही है तो जेल में डालिए। आपकी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर गए थे तो एक संधि लेके गए थे कि हम आपके साथ जो है ना एक अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, मगर वो हमारे 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 संदेश दूसरी गद्दारी का उदाहरण नहीं ले गए तो हमने उसको ठीक उसका मजा चखाया, उसको जवाब दिया, दूसरी गद्दारी का उदाहरण जवाब दिया बराबर का, दूसरी गद्दारी का उदाहरण गले लगा सकते हैं तो गला काट भी सकते हैं। दूसरी गद्दारी का उदाहरण सुन लीजिए सर, जब हमारे पठानकोट पर बेस पर हमला हुआ तो आईएसआई के जो कर्नल थे वहां जो जनरल थे उनको हमने चेक कराने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई के फौज के लोगों को यहां पर हिंदुस्तान में पलक बिछा करके वहां पर उनसे जांच कराई, हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के लोगों ने जांच की, वो संभव, ये संवैधानिक था, ये गद्दारी नहीं थी देश के प्रति, ये देश के प्रति गद्दारी नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे हमें ये देश के प्रति गद्दारी नहीं थी, और दिखाना बताना बहुत जरूरी था। साथ में आप गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए, अगर आपको ऐसा करके ऊपर आए, आप मणिशंकर के ऊपर आए कि आप मणिशंकर बार बार क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर आए, आपको ऐसा कोई गद्दार शब्द, ऐसा कोई
कोई गद्दार इस देश में मौजूद है तो मुझे लानत है भारत के गृहमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर। अगर देश में कोई गद्दार मौजूद है तो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या हरीश भारद्वाज हो या दूसरा हो। आपका आपने ठीक कहा, आप ये सर्टिफिकेट में होना चाहिए, आप ये सर्टिफिकेट बांटना, आप ये जगह ये बाहर जो खुले घूम रहे हैं बंद करिए, खुले घूम रहे हैं जो हमारे स्थान के लोगों को, कानून हिंदुस्तान के लोगों को आप बांटना बंद करिए। ये राजनीति नहीं चलने वाली है। हर एक को गद्दार का और वफादार का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। हिंदुस्तान को देश का ये जनता देख रही है, दुनिया देख रही है कि कांग्रेस ने बांटने के अलावा और अपने 60 साल के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं है। हिंदू को मुस्लिम से बांटा, मुस्लिम को समाज, और इसके अलावा और कांग्रेस ने आज दिन तक कुछ किया ही नहीं है। अच्छी ये अभी आप देखें, हमारे अभी तक इतने हमने काम किए, हमने धारा 370 हटाई, शांति से निकल गया। मणिशंकर अय्यर ने उस पर भी बयान दिया, राम मंदिर हट, मणिशंकर अय्यर ने 370 हटाने के बाद आपको कोई योगदान नहीं है। आपकी सोनिया गांधी रामलीला मैदान में जाके और कहती है कि आप घर से निकलिए और दंगा फसाद करिए, देश में शांति कैसे है, और दूसरे दिन से ये दंगा फसाद हो गए। ऐसा कोई वक्तव्य आपके इस बयान की मैं निंदा करता हूं, ऐसा कोई वक्तव्य आदरणीय सोनिया, और ये रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड है वर्ष में, और रिकॉर्ड है रामलीला ग्राउंड का, आप देखिए रामलीला ग्राउंड से 70 साल में, और रिकॉर्ड है जो सोनिया गांधी ने कहा है। हमने 70 साल में इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में एक मजबूत भारत बनाया है, गिरीश जी, और आप लोगों ने 6 वर्षों के अंदर बहुत अच्छी देश में जो ध्रुवीकरण किया है, जो काम पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान और भारत के सारे विरोधी लोग मिलकर नहीं कर सके थे, वो 6 वर्षों में आपने सत्ता के अंदर देश के नागरिकों को बांट कर किया है। आपने और आपके मंत्री पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए इतना भारी जवाब दे रहे हैं, जितना पाकिस्तान का नाम लेते हो, मणिशंकर ने पाकिस्तान लिए क्यों कहा कि इन्हें हटाइए और हमें लाइए, आप इसका जवाब दें। आपकी राजनीति केवल पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान गांव मंदिर गंगा 370 इससे अलग नहीं है, हमें पाकिस्तान में मिलता है, आप इसके जवाब दें हमें। आपकी राजनीति केवल हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, आप राम का नाम लेते नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा दूसरी बातें आपके पास है ना। देखिए आप इसका जवाब दें, आपके मणिशंकर ने आज देश की हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है, आज देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, आज देश का बेरोजगार बिल्कुल दोराहे पर खड़ा हुआ है, नोटबंदी के माध्यम से भारत आज बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ गया, और यहाँ पर GST जो लागू किया, देश के व्यापारी ठप हो गए हैं। गिरीश जी, आपको एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आप लोग का बयान पहले ही दिए, ये राजनीतिक जो बवंडर खड़ा करते हो, गिरीश जी एक बात जवाब दे दीजिए, तब आप कहीं GST पे भागते हैं, कहीं जीएसटी रहने दीजिए, मणिशंकर का जवाब आप देश के मूल मुद्दों से, मणिशंकर ने पाकिस्तान में ये क्यों कहा, मणिशंकर अय्यर और उनके बयान इंपोर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान में मिलता है, भारत में भारत के गरीबों के लिए काम इंपोर्टेंट है, मणिशंकर का बयान इंपोर्टेंट नहीं है, आप देश का ध्यान भटकाने का, भटकाने का, उनको घटने से निकालिए, क्यों नहीं निकाला अभी तक आपने, हमें तो आपने अभी तक मणिशंकर को क्यों नहीं निकाला, क्यों रखे हैं आपको ऐसे देशद्रोही को, जो देश के खिलाफ बात करता है, आपने क्यों रख रखा है, देशद्रोह का, देशद्रोह तो वो था जब देश का भारत का प्रधानमंत्री अगर मंच के माध्यम से ये कहता है कि कपड़ों के आधार पर वहां पर दंगाइयों की पहचान हो जाती है, कपड़ों के आधार पर पहचान हो जाती है, कोई कहता है 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ की नहीं है, गलत नहीं है, 10 करोड़ की ही, 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दंगे वाले 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बयान देखा, किस भेष में निकल आते हैं, 10 करोड़ का गर्लफ्रेंड का बयान सुना आपने, एक भारत के बड़े नेता के द्वारा यह बयान दिया गया था कि 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक महिला के सम्मान के लिए थोड़ी तो शर्म करो, इस तरह के बयानों के बारे में ये देश का साथ गद्दारी है, ये महिलाओं का मणिशंकर पे आप पूछने ना जाएं, अगर आप अगर कोई गांधी के विरोध, गांधी के बारे में, ये बयान हमारे संज्ञान में नहीं है, आप आज का आज की डिबेट पे आप बोले, गांधी के हत्यारे को अगर कोई महिमा मंडे संसद के अंदर करता है तो कर्नल साहब आपकी जुबान नहीं खुलती है, अगर कोई 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है तो आप दो शब्द नहीं बोल पा रहे हो, तो इस तरह के बयानों को किसी का महिमा मंडल नहीं करते, मगर सिद्धांत की बात जरूर करते हैं, और गॉडसे के आप काम देखिए, एक गॉडसे थे जिनको काले पानी भेजा गया था, आपके नेहरू जी को कभी नहीं भेजा गया, क्यों, गॉड से नहीं थे वो, आपकी कांग्रेस से नहीं थे वो, सावरकर थे गॉड से नहीं थे, गॉड से को महिमा मंडित करिए, गॉड से एक आतंकवादी था, देश का पहला आतंकवादी जिसने भारत के जो राष्ट्रपिता थे उनकी हत्या की थी,
तो आप गौडसे शब्द का वो देशद्रोही था और आप गौडसे के विचार के मानने वाले हो, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। आपके जुबान पे लौट गए, मणिसंघ पे जुबान पे आप मणिसंघ पे आए, लौट गए आप, लंदन ना भागे, आपकी जुबान पर हमारे जवाब दे, हमने आपसे कहा कि मणिसंघ को आपने क्यों रख रखा है, गरीबों का दर्द नहीं है जो कह रहा है कि मुझे हिंदुस्तान में प्यार नहीं मिलता, पाकिस्तान में प्यार मिलता है, आपके यहाँ क्यों है? देखिए आपको अभी तक क्यों नहीं निकाला? पाकिस्तान से बिरयानी खाने अम्मी जान के पैर छूने आप जाओगे? पाकिस्तान की आईएसआई को जांच के लिए यहाँ बुलाओगे? गद्दारी का सर्टिफिकेट हमें दोगे? बहुत बढ़िया पाकिस्तान को जवाब, हिंदुस्तान की मजबूत सेना ने दिया है, मजबूत सेना ने, घुस के हिंदुस्तान की सेना जो 70 साल से कांग्रेस ने मजबूत की, घुस के हमने मारा है, की कांग्रेस ने दो बार जवाब दिया है। अरे आप क्या जवाब दोगे? आप लोग तो बिरयानी खाने वाले हो, वहां जाकर अम्मी जान के पैर छूने वाले हो। आप लोग कांग्रेस ने बम फोड़ रहा, कांग्रेस ने 70 साल में जो मजबूत बम फूटा हो, 5 साल में अरे आप झूठ बोल रहे हैं। पुलवामा में 40 लोगों की हत्या हो गई और वो जो डीएसपी अभी जो गिरफ्तार हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए आप तरह तरह के मुद्दों को लेकर के आ रहे हो। अभी हमारा है डीएसपी, हमारा है, जांच करो ना किसका है, यही तो जांचना चाह रहे हैं हम। वो किसके इशारे पर चुनावों से पहले हमारे 40 शहीद जवान हो गए थे, उसका कारण क्या था? मुद्दे से आप ये मुद्दा लाइए, हमें पता लगना है कि वो पुलवामा में जो हमला हुआ था, 40 शहीद जो हमारे शहीद हुए थे, वो किसकी गद्दारी थी? इन सब बातों को कहकर आप एक मिनट सर, विस्फोट तक कैसे पहुंच गए थे? इससे ध्यान भटकाने के लिए बड़ी शंकराचार्य का बयान लेकर के आप मत आइए, एक मिनट भटकाइए सर। आपके कैप्टन जी, आपको बता तो दिया, पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, आपके समय में हो गए, आपके आपके जो है पठानकोट में हमले हो गए, दुनिया भर में आपको हमले आपके ये बातें नहीं चलेंगी। देश के आगे झूठ बोलना बंद करिए, बोले झूठ बोलते ही देश को, देश को भेज दिया। देखिए कर्नल साहब, दो मिनट मेरी बात सुनिए, दो मिनट सुनिए, झूठ बोलते रहेंगे तो जनता एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कैप्टन जी प्लीज। गिरी जी, जो बातें आप कह रहे हैं, आप आरोप लगाइए, आप लड़िए, झगड़िए, हमारा कोई मतलब इससे नहीं है। लेकिन हाँ हरीश जी, ये जो तर्क आप दे रहे हैं, क्या मणिशंकर अय्यर का समर्थन माने कांग्रेस नहीं, जब भी वो बयान देते हैं कभी भी कोई ऐसी कार्यवाही की बात नहीं हुई, कभी खंडन नहीं हुआ कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा? तो मणिशंकर अय्यर को तो पार्टी ने बाहर भी कर दिया था। लेकिन अगर देखिए, हम लोग बयानों पर भी पार्टी से उसको बाहर किया था, मणिशंकर जी को बाहर किया गया था। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी है, अगर बाहर बलात्कारी एमएलए पार्टी में कुलदीप सेंगर क्यों लिया? कुलदीप सेंगर को जेल में है, कुलदीप सेंगर को आरोप लगने के बाद, जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाहर किया, आप बताइए ऐसा कैसे हो जाएगा? आरोप जब आपकी पार्टी का होगा तभी तो वो जाएगा जेल में, ऐसे उठा के किसी को जेल में आप बंद कर देंगे क्या? आपने जो लोकसभा के अंदर जो बयान दिया, मणिशंकर के बारे में बहस करें, नाथूरामकर आप क्यों रखे हो? भोपाल की सांसद, देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ने पाकिस्तान में महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दिया, आईएस के साथ उनके भारत के एक बड़े पद पर बैठे सर्वोच्च नेता ने अपनी जनता के लिए धर्म और धर्म के आधार पर कहा कि कपड़ों के आधार पर पहचान हो जाती है, उनकी बैठक है, उठते बैठते हैं तो ऐसे दो देशद्रोहियों को आईएस के समर्थन, आप क्या कर रहे हैं? आप जेल डालिए, अगर वो देशद्रोही है तो जेल डालिए, वरना आप इस तरह के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए, बिल्कुल जेल डालिए, एक भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचोगे, आपका बस ही कुछ नहीं है, हमने आपको धीरे धीरे जेल के मुहाने तक पहुंचा दिया, एक धक्का मारने की जरूरत है, आप मणिशंकर नहीं, आपकी राजनीति केवल पाकिस्तान गांधी मुसलमान पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, बड़ेरा जेल बेल पे है, ये सारे बेल पे है, जेल में जाने वाले हैं। तड़ी पार तो नहीं हुए ना? तड़ी पार भी हो चुके हैं कुछ लोग इस देश में, तड़ी पार तो नहीं हुए ना? कोई
आप ये थड़ी पार भी हो जाएंगे जब ना बेल पे चल रहे बंगाल में जाने बंगाल लक्ष्मण की तरह जेल में जाने बंगाल लक्ष्मण की तरह देश में रिश्वत लेते तो हुए तो बहुत जल्दी आपके सारे नेता जेल में जाएंगे। याद करो बेल पे चल रहे बंगाल लक्ष्मण को याद करो। आपकी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम खुलेआम देश की दलाली करता हुआ लाखों रुपए की रिश्वत लेता हुआ कैमरे पकड़ा गया और सजा याफ्ता हुआ पंकज जेल जाना पड़ा। पंकज जी इनकी यही समस्या है कि सजा हुई नहीं और ये मुद्दे छोड़ के कुछ कहकर सजा हुई क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। रणजीत सिंह क्योंकि इन्होंने 60 साल में सिवाय हिंदू मुसलमान में बांटा है समाज में बांटा है धर्म में बांटा है इसके अलावा इनके पास देश है ही नहीं कि पूरा देश ये कभी मुद्दे पर रह ही नहीं सकते हैं। पूरा देश जानता है कि 70 वर्ष में जिस प्रकार से भारत को मजबूत किया कांग्रेस पार्टी ने आपने 6 वर्षों के अंदर इस देश को इतना कमजोर कर दिया है केवल ही केवल आपने धार्मिक आधार पर आर्थिक आधार पर सामाजिक आधार पर इस देश को देश को एक बनाया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने बांटा था आपने धर्म में बांटा आपने जाति में बांटा आपने समाज में बांटा आपने देश देश को हमने कांग्रेस किया है आपने कश्मीर को आपने दो दो जगह बांट रखा था हमने कश्मीर को देश में मिला के देश पूरा देश एक कर दिया आपने क्या किया था आपने तो बांट दिया था आपने चाइना कश्मीर 1947 से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है आपने कुछ नहीं किया जब तक हिंदुस्तान जिंदा है तब तक कश्मीर हमारा हिस्सा रहेगा और वो कैसे हिंदुस्तान के मजबूत सेना की वजह से हमारे हिंदुस्तान का आज भी पीओके नहीं नहीं कश्मीर कहां चले गए तो आप लीजिए नेता की देन है ले लीजिए ना वो पीओके तो हमारा हिस्सा है हम छीनेंगे आप नहीं ले पाओगे हम लेंगे हमने दो हिस्सों में बांटा लिया है पाकिस्तान दो कैप्टन साहब सुनेंगे आप पाकिस्तान दो हिस्सों में हमने बांटा कैप्टन साहब सुनेंगे आप हरीश जी आप ही सुनेंगे प्लीज जी बताएं तो साहब ये 370 पे बात हुई कश्मीर को लेकर कई दफा चर्चा हो गई जब कश्मीर का मुद्दा होता है तब कश्मीर पर आप लोग बात नहीं कर पाते हैं। आज बात भाषाई मर्यादा पर है तो जो बार बार मंचों से टूटती है आगे माइक देखा गले में माला पड़ी हुई देखी तो इस तरह से भाषा का इस्तेमाल मंचों से हुआ उसका आप लोग समर्थन करते हैं कोई भी राजनेता किसी के प्रति गलत बयान नहीं करता है इनको निंदनीय है लेकिन मुझे नहीं पता मणिशंकर अय्यर जी ने किस परिप्रेक्ष्य में किस संदर्भ में किस आधार पर वो बयान दिया था आपको उनका कोई भी राष्ट्रीय नेता मणिशंकर आपको तोड़ मरोड़ कर और कांग्रेस पार्टी की कदापि नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने कोई कहीं किसी मंच पर कोई बयान दिया है उसको तोड़ मरोड़ कर इधर उधर मुड़ा कर अगर आप उसका अर्थ दूसरा निकालते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आपके लिए भी है मैं सवाल क्यों था आपके लिए क्यों था जब जब मणिशंकर अय्यर ने मुंह खोला है और मुझे ऐसा लगता है और सियासी गलियों में जब आप जाइएगा तो वहां चर्चा हो रही होगी कि मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को नुकसान किया है बीजेपी को फायदा पहुंचाया है आप इस चीज को मानते हैं। देखिए ऐसा है नहीं आपको परवाह नहीं देखिए सुनिए मुझे परवाह तो मेरा नेतृत्व तो करेगा क्या परवाह है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं आपसे यह बताना चाहता हूं नहीं सकती के कारण यह है आज परवाह आज मणिशंकर को परवाह यह करनी है कि जो पुलवामा में जो 40 लोग हमारे शहीद हुए थे सेना के जवान वो विस्फोट कैसे आया था बार बार ध्यान भटकाने के लिए बार बार इस तरह के उससे ध्यान भटकाने के लिए पार्टी ने हमारा संज्ञान लिया इसके ऊपर। एक आदमी को डीएसपी को राष्ट्रपति का अवार्ड मिलता है पुलवामा में 40 जवान शहीद होते हैं चुनावों से पहले ये घटना होती है तो जांच का विषय यह है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक छोटी सी बात को तोड़ बरोड़ का प्रस्तुत करने की जो कोशिश की जा रही है ये देश का नैरेटिव को चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है ये बुनियाद बात ये कर रहा है उस पर जांच चल रही है वो गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें कुछ अरे अब कहने के लिए कुछ है ही नहीं मगर इनके पास जब मुद्दे नहीं है ये कहना चाहिए इधर भागेंगे पुलवामा में अरे जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है उसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं उनकी लाशों के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है वो प्रशासन का एक अधिकारी था हरीश जी मणिशंकर अय्यर और वो बीजेपी बयानों को लेकर चर्चा होती तो बहुत अच्छा लगता प्रशासन का एक अधिकारी था जिसने गलत किया है वो गिरफ्तार हो चुका है जांच चल रही है तो हम जांच चाह रहे हैं कि भाई उसकी जांच करो वो कैसे कैसे इन्वॉल्व बात बात कम है हरीश जी और कैप्टन साहब इशारे चल रही है किसके इशारे पर वो काम कर ये सियासी बयानों से बवाल क्यों होता है इस पर चर्चा कर लीजिए प्लीज करते थे कांग्रेस शासन में बीजेपी में कोई इशारा नहीं होता है यार हमें जेल में डाल दो अगर हम काम करते थे सत्ता काम करती है भाई आपकी सत्ता है यहां सत्ता है आप शासन में है आपके काम करता है मजबूत नहीं होता मजबूत चाणक्य के गृह मंत्री हैं हमने अगर कुछ गलत किया है तो हमें जेल में डाल दो हम कब मना कर रहे हैं तभी तो हमने पकड़ा
रहा है। जो हमारे 40 शहीद हो गए जवान, जिनकी शहीदी के ऊपर आप लोगों ने वोट मांगा था, उन्हें बता तो दो कि वो जो RDX आया था वो कहां से आया था, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए रुकिए 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 हरीजी, हरीजी देखिए देखिए, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। आज है, आज इंपोर्टेंट है, आज इंपोर्टेंट है गरीबी, वक्त खत्म हो चुका है बेरोजगारी। हरीजी हरीजी वक्त खत्म हो चुका है, और उम्मीद हम आपसे ये करते थे कि सियासी बयानों से बवाल क्यों होता है, बार बार मणिशंकर अय्यर के बयान आपके लिए सिरदर्दी क्यों बन जाते हैं। ऐसा हुआ है 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। 2014 में जब सरकार थी नहीं बीजेपी की, उस वक्त एक चाय वाला शब्द निकला अय्यर के मुंह से, और उसी के बाद वो चाय वाला ही बीजेपी का हथियार बना। गुजरात चुनाव भूले नहीं होंगे, दिसंबर का महीना था, और उस वक्त क्या कहा था गुजरात में, और बीजेपी की सरकार बनी गुजरात में। ये हम समझना चाहते थे। हरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। तो बयान वीर सियासी दौर में आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसा शायद ही कोई दिखे। फेस टू फेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।